आइए अब हम देखते हैं कि पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री क्या है। What are the clauses of subject matter of memorandum of association? अब हम memorandum of association के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें जो विषय सामग्री है उनको 6 भागों में विभक्त किया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला है नाम वाक्य, फिर है स्थान वाक्य, फिर आता है उद्देश्य वाक्य, उसके बाद आते हैं दायित्व वाक्य, फिर पूंजी वाक्य और अंतिम में आता है संघ एवं हस्ताक्षर वाक्य। आइए हम इन एक एक क्लॉजेस को जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्लॉजेस क्या हैं। जैसे कि नाम वाक्य, नेम क्लॉज, जैसे कि आप अच्छे तरीके से अभी तक समझ चुके हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब भी तैयार होता है तो वहाँ पर कंपनी के नाम की आवश्यकता होती है। ये कंपनी का नाम जो है वो प्रोमोटर्स या प्रवर्तक कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या करना है, रखने से पहले जो कंपनी के रजिस्ट्रार हैं उनसे सहमति लेनी होती है कि क्या हम अपनी कंपनी का यह नाम रख सकते हैं। जब कंपनी रजिस्ट्रार इस चीज़ के लिए अनुमति देते हैं उसके बाद ही वह अपने कंपनी का नाम रख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जो कि कंपनी के नाम को रखते समय ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ बातें, वे कुछ बातें कौन सी हैं, आइए देखते हैं। जो पहली बात है, जो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं वो है केंद्रीय सरकार की दृष्टि में अनुचित या अवांछनीय ना हो। कंपनी अधिनियम की धारा 20 के अनुसार कंपनी का नाम ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो कि केंद्रीय सरकार की दृष्टि में अनुचित हो या अवांछनीय हो, है ना। दूसरी बात आती है चिन्ह व नाम का दुरुपयोग निरोधक अधिनियम 1950 के अधीन निर्मित न हो। अब जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, एम्परर हुआ, किंग हुआ, क्वीन हुआ, रॉयल हुआ, ये सारे शब्द हैं। इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन UNO है, इनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। इनके नाम, इनके चित्र, इनका जो चिन्ह है या सर मुद्रा हम कह सकते हैं, इनका उपयोग, ये सारी चीज़ों को अपनी कंपनी के नाम के आगे उपयोग में नहीं लाना है। साथ ही साथ भारत सरकार के किसी भी, है ना, एम्बलम को या राष्ट्रीय चिन्ह को आप अपनी कंपनी के नाम के आगे या कंपनी के नाम के साथ जोड़ नहीं सकते। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात ये है कि कंपनी जो है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उस कंपनी के नाम के पीछे क्या लगेगा, प्राइवेट लिमिटेड, और अगर सार्वजनिक कंपनी है तो उस कंपनी के नाम के पीछे क्या लगेगा, लिमिटेड लगेगा। ये तीनों चीज़ें नेम क्लॉज में बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इस तरीके से हमने नेम क्लॉज जान लिया कि नेम क्लॉज होता क्या है और उनमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या करते समय, किसी कंपनी का नामकरण करते समय। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्लॉज देखते हैं, प्लेस क्लॉज या स्थान वाक्य। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि कंपनी को रजिस्टर करते समय कंपनी को किस स्टेट में, है ना, क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है या उसकी स्थापना करनी है, वह प्रवर्तकों द्वारा निश्चित किया जाता है और उसके बाद ही उस राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार के ऑफिस में विथ डोमिसाइल क्या करते हैं, वो एक एज अ डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। तब यहाँ पे स्थान वाक्य आता है। यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी कहाँ सिचुएट करेगी या कहाँ लोकेट करेगी या कहाँ स्थापित होगी, उसका विवरण जो है वो कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब कंपनी रजिस्टर होती है, ठीक है, और उसके साथ साथ कंपनी के रजिस्टर होने के बाद और कंपनी के व्यवसाय शुरू करने के 30 दिन पहले तक, कम से कम, अगर पहले इसकी स्थिति में नहीं हुआ है तो लोकेशन या उसका स्थान बताया नहीं गया है, इस स्थिति में तो कंपनी जैसे ही रजिस्टर हुई उसके बाद कंपनी व्यवसाय शुरू कर रही है उसके 30 दिन के पहले तक क्या करना पड़ता है, वहाँ उस कंपनी के जो भी प्रमोटर्स हैं या संस्थापक हैं उनको जो है कंपनी का जो ये क्लॉज है,
है ना, प्लेस क्लॉज पूरा करना पड़ता है, कंपनी का पता देना पड़ता है कि कंपनी कहाँ शुरू होगी। अब ये कंपनी का ऑफिस जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में शुरू हो ये ज़रूरी नहीं हो सकता, है ना। ये कंपनी का ऑफिस जो है ये कहीं भी स्थापित हो सकता है, मतलब उसी राज्य में स्थापित होगा, लेकिन ये उस राज्य के जो कंपनी ऑफिस है, कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका ऑफिस चलेगा ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए वो उसी राज्य में कहीं और अपना ऑफिस खोल सकते हैं, लेकिन उसका पता क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में देना होता है। अगला जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है उद्देश्य वाक्य यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज है। देखिए बच्चों, किसी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या पार्षद सीमा नियम को इसीलिए बनाया गया है और बनाने का उद्देश्य ही होता है कि उसमें जो कंपनी के उद्देश्य हैं उनके बारे में चर्चा होती है और साथ ही साथ उनको किन उद्देश्यों पर कार्य करना है ये निश्चित किया जाता है। तो अगर हम देखें तो कंपनी का जो उद्देश्य क्लॉज है, या हम कह सकते हैं पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज है, ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि इसी में कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य डिसाइड किए जाते हैं। देखो बच्चों, इसको भी क्या किया जाता है, दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला भाग होता है मुख्य उद्देश्य और दूसरा भाग होता है अन्य उद्देश्य, ठीक है। मुख्य उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो कि मेन पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए कंपनी की स्थापना की जा रही है उन पर्पस को फुल करना है ना, मतलब उन कारणों को पूरा करना है। उनमें वो ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं जो कि इस पर्पस, जो मुख्य उद्देश्य हैं उसको पूरा करने में सहायक उद्देश्य की तरह कार्य करें। तो ये हो गया मुख्य उद्देश्य। अगर हम अन्य उद्देश्य देखें तो अन्य उद्देश्य कंपनी के वे उद्देश्य होते हैं जो कि समय समय पर परिस्थिति के अनुसार पूरे किए जाते हैं। अब इन उद्देश्यों को भी अगर हम देखें तो कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जिनके बेसिस पर कंपनी स्थापित करना वर्जित माना जाता है। पहला बात है अनैतिक। ऐसा किसी भी तरह का अनैतिक जो है कंपनी को नहीं स्थापित किया जा सकता जिसका उद्देश्य गलत हो या नैतिक ना हो। मान लीजिए हम अनैतिक में उदाहरण ले सकते हैं बॉम्ब बनाने की कंपनी, तो यह अनैतिक है ना। साथ ही साथ प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देने वाली कंपनी, तो ये भी जो है एक अनैतिक कंपनी हुई। तो इस तरह की कंपनी जो है उनको नहीं इस्टेब्लिश किया जाता क्योंकि ये गलत उद्देश्य के लिए कार्य कर रही हैं। साथ ही साथ अवैधानिक कंपनियां, ऐसी कंपनियां जो वैधानिक नहीं हैं। फिर बात आती है लोक नीति के विरुद्ध। इसमें हम ले सकते हैं कि उनके उद्देश्य ऐसे हैं जो देश के जो हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह के जो लोक नीति के विरुद्ध अगर कोई ऐसा उद्देश्य को लेकर के कंपनी रजिस्ट्रार में अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना चाहता है तो इन तीनों उद्देश्यों को क्या कर दिया जाएगा, वॉइड घोषित कर दिया जाएगा और इन तरह की कंपनियों को स्थापित नहीं किया जाएगा, इनको वर्जित कर दिया जाएगा इनकी स्थापना को। तो इस तरीके से आपने क्या समझा कि उद्देश्य का वाक्य यानी ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या है। अब बात आती है दायित्व वाक्य यानी लायबिलिटी क्लॉज की। जैसे कि आपने अभी तक समझा है कि कंपनी में जितने भी अंशधारी या शेयर होल्डर्स होते हैं वो केवल उन्हीं या उतने ही अंशों के लिए या शेयर्स के लिए लायबल होते हैं जितने पर उन्होंने अपनी पूंजी लगाई है, ठीक है। मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर कोई एक अंशधारी है, उसने 100 रुपये की 5 अंश खरीदे, ठीक है, तो कितना हुआ, 500 रुपये हुआ, तो वो केवल इन 500 रुपये के लिए लायबल होगा। कंपनी अगर लॉस में जाती है तो कंपनी की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए जो अंशधारी है वो केवल 500 रुपये पे करेगा, जितने अंश उतने खरीदे हैं इस उदाहरण के अनुसार, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी के अंशधारियों को इन लायबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए अपनी निजी संपत्तियों को यूज़ नहीं करना पड़ता। ये एक दायित्व वाक्य है, लायबिलिटी क्लॉज है। आगे बढ़ते हैं पूंजी वाक्य यानी कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में हम जानते हैं कि इस क्लॉज के अंतर्गत क्या होता है कि अधिकृत पूंजी कहाँ से लाई जाएगी।
साथ ही साथ इनमें अंशों का विभाजन किस प्रकार होगा ये तय किया जाता है। अब अधिकृत पूंजी, एसोसिएटेड कैपिटल, ये क्या होता है, एक इस तरह की पूंजी होती है। मान लीजिए किसी कंपनी के पास 10 करोड़ के शेयर्स हैं, ठीक है। अब वो क्या करती है, ये जो 10 करोड़ के शेयर हैं वो अपने अंशधारियों को 10 रुपए के हिसाब से देती है या 100 रुपए के हिसाब से देती है। तो ये जो हुई देने का निश्चित करती, देती नहीं है, देने का निश्चित करती है, तो ये हो गई एसोसिएटेड कैपिटल या अधिकृत पूंजी। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, मैं फिर से दोहराऊंगी, जो अंश खरीदे गए हैं या जिन अंशों को अंशधारियों द्वारा लिया गया है वो केवल अपने द्वारा लिए गए अंशों के लिए ही जिम्मेदार होंगे। और अंतिम बात आती है संघ एवं हस्ताक्षर वाक्य की, है ना। ये इस पूरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबसे लास्ट या हम अंतिम क्लॉज है ये कह सकते हैं। इसमें जो लोग इस कंपनी की स्थापना के लिए जिम्मेदार हैं वो क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें साइन करते हैं। साथ ही साथ उसमें वो अपना नाम, पता, अपना विवरण, अपना पेशा, ये सब कुछ देते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट ये लोग मेंशन करते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके अनुसार हम निम्नलिखित व्यक्ति, मतलब जो जो व्यक्ति स्थापना कर रहे हैं, तो निम्नलिखित व्यक्ति जिनके नाम व पते नीचे दिए गए हैं इस बात के इच्छुक हैं कि हमारा निर्माण कंपनी के रूप में इस अधिनियम के अंतर्गत हो जाए, तथा हम अपने नाम के आगे लिखे हुए अंशों की संख्या कंपनी की पूंजी से लेना स्वीकार करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जब उन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट दे दिया, ये डॉक्यूमेंट यहीं फिनिश नहीं होता। क्या होता है, धारा 15C के अनुसार जब ये डॉक्यूमेंट साइन होता रहता है, है ना, वहाँ पे उनकी कंपनी की सार मुद्रा लगती रहती है, वहाँ पर गवाहों का होना बहुत ज़रूरी है। अब गवाहों की उपस्थिति में ही ये सील और सिग्नेचर होता है। वहाँ पर गवाहों को भी अपने डिटेल्स देने पड़ते हैं, उनको भी अपना नाम, पता, पेशा, अपना विवरण, सब कुछ देना पड़ता है, साथ ही अपना एक सिग्नेचर भी करना पड़ता है। इस तरीके से ये 6 क्लॉजेस को पूरा करके एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का निर्माण होता है। आइए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जानने के बाद हम देखते हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, जिसे हम हिंदी में पार्षद अधिनियम कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ना। उसी तरीके से अगर हम देखें तो पार्षद अधिनियम जो है वो भी दूसरा किसी कंपनी के समायोजन के लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जिस समय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनी के समायोजन के लिए ले जाया जाता है कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसी समय इस डॉक्यूमेंट को भी ले जाया जाता है। जैसे कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या बातें हुई थी, उनके उद्देश्यों के बारे में बताया जाता था, साथ ही साथ उसका कार्य क्षेत्र बताया जाता था, है ना, और उनका उनके अधिकारों को किस तरीके से सीमाओं में बांधा जाता था वो आपने जाना। हम अगर पार्षद अधिनियम की बात करें उसी तरीके से, तो इसमें क्या होता है कि उन उद्देश्यों को किस तरीके से प्राप्त किया जा सके, कैसे किन कार्यों को किया जा सके कि उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा, इस तरह के नियम और उपनियमों का निर्माण होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है या पार्षद अधिनियम है, उसके अंतर्गत यह कुछ इस तरीके से नियम या उपनियम बनाए जाते हैं जो कि, है ना, जो कि क्या स्पष्ट करते हैं, उस कंपनी के साथ कार्य करने वाले लोग, चाहे वो अधिकारी हो, अंशधारी हो, ऋण दाता हो या जो भी हो, उनको अपने अधिकार क्षेत्र और उनको उनके कार्य क्षेत्र के बारे में बताए, और उनको किन नियमों का पालन करते हुए अपने दायित्वों को पूरा करना है ये भी बताएं।
और अगर अच्छी तरीके से जाने तो कंपनी के पार्षद अन्य नियमों का निर्माण जो है वो कंपनी अधिनियम 2013 तथा पार्षद सीमानियम की व्यवस्थाओं के अंतर्गत होता है। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये एक सहायक प्रलेख होता है। किसका? जो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखा था वो उसका एक सहायक प्रलेख होता है। तो इस तरीके से आपने क्या जाना कि पार्षद अंत नियम क्या है। आइए उसकी एक परिभाषा देखते हैं कि जो पार्षद अंत नियम है वो कंपनी के उस प्रलेख से उसका हम परिभाषित कर सकते हैं, उसके महत्व को जान सकते हैं जिससे पार्षद सीमा नियम के वर्णित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रबंध के नियमों का उल्लेख होता है। कुल मिलाकर के अगर हम पार्षद अंत नियम को निष्कर्ष निकालें उसके कॉन्सेप्ट का तो यही है कि इनमें क्या होता है। सबसे पहली बात, ये जो होते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी इम्पॉर्टेंट प्रलेख होते हैं, महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं। दूसरे, ये प्रलेख जो होते हैं ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सहायक प्रलेख होते हैं। कंपनी के समायोजन के समय जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जैसे डॉक्यूमेंट को जमा किया जाता है तो साथ ही साथ इनको भी यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी उनके साथ जमा किया जाता है। जैसे कि हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जाना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या वर्णित होता है, कंपनी के उद्देश्य वर्णित होते हैं, कंपनी के अधिकार वर्णित होते हैं, कंपनी का कार्यक्षेत्र वर्णित होता है। उसी तरीके से हम अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को देखें तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या वर्णित होता है, किसी भी कंपनी के आंतरिक प्रबंध को किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसके लिए किस तरह के नियम और उपनियम बनाए जाए, ये उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या पार्षद अंत नियम में वर्णित होता है। आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद आइए हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कुछ विशेषताओं को जानते हैं। चूँकि कॉन्सेप्ट हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो हम कुछ विशेषताओं को इस प्रकार देखते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो होते हैं कंपनी अधिनियम वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अधीन होते हैं। ये मुख्य प्रलेख होते हैं या द्वितीयक मुख्य प्रलेख होते हैं जिससे कंपनी के समायोजन के समय रजिस्ट्रार ऑफिस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ जमा किया जाता है। इसमें कंपनी के आंतरिक व्यवस्था को चलाने के लिए कंपनी के नियमों व उपनियमों का वर्णन होता है। यह कंपनी और उसके उद्देश्यों के मध्य संबंधों की स्थापना करता है। यह मुद्रित हस्ताक्षर व अनुच्छेदों में विभाजित होता है। यह एक परिवर्तनीय प्रलेख होता है। कैसे परिवर्तनीय प्रलेख होता है? जो भी उद्देश्य दिए गए हैं किसमें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, अगर उस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है या उन उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है उनके लिए कुछ आंतरिक नियमों या उपनियमों को परिवर्तित करना पड़ा तो वो इसमें चेंज हो जाएंगे, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अनचेंजेबल है या अपरिवर्तनीय है। और ये पार्षद अंत नियम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये परिवर्तनीय होता है। साथ ही साथ जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसकी भांति जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो भी एक प्रकार का सार्वजनिक प्रलेख है। मतलब वो भी स्पष्ट रूप से जितने भी लोग उस कंपनी से जुड़े हुए हैं वो सबको एक एक कॉपी हैंडओवर की जाएगी कि वो पढ़ सके, या सॉफ्ट कॉपी हैंडओवर की जाएगी कि वो पढ़ सके, वो जान सके कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के उद्देश्य क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, वो इन चीज़ों को समझ सकें, साथ ही साथ उनके कार्यक्षेत्र को समझ सके। अब इन अधिकारों को किस तरीके से उपयोग में ला करके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा वो यह जान सकते हैं कि उन कौन से नियमों और उपनियमों का पालन करना है जिनका पालन करते हुए वो अपने कार्यक्षेत्र में अपने कार्य को या अपने दायित्वों को पूरा कर सकते हैं। और अंतिम बिंदु आता है कि कंपनी के अधिकारियों वे व अधिकारों कर्तव्यों व दायित्वों के बारे में ये जानकारी देते हैं जैसे कि मैंने आपको परिभाषित किया या समझा। तो बच्चों इस तरीके से आपने पार्षद अंत नियम का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं को जाना। आइए जानते हैं कि जो पार्षद अंत नियमों की विषय वस्तु तथा विषय सामग्री क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अन्य नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं।
अतः इनमें प्राय उन सब बातों का उल्लेख होता है जो कि कंपनी के आंतरिक प्रबंध तथा संचालन से संबंधित होता है। प्राय प्रत्येक कंपनी अपनी सुविधा अनुसार अपने अंत नियमों को तैयार करती है, अतः इसकी विषय सामग्री भिन्न भिन्न कंपनियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। साधारणतया सारणी एफ को अंत नियमों को एक आदर्श स्वरूप माना जाता है तथा उसके अनुरूप ही नियम और उपनियम बनाए जाते हैं। एक कंपनी के पार्षद अंत नियमों में प्राय निम्नलिखित बातों का उल्लेख होता है, जैसे कि पहला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रारंभिक अनुबंधों की पुष्टिकरण की विधि, विभिन्न प्रकार के अंशों का विभाजन व अंशधारियों के अधिकार, अंशों के निर्गमन तथा आवंटन की विधि, न्यूनतम अभिदान राशि का निर्धारण, अंश प्रमाण पत्र तथा अंश अधिपत्र निर्गमन की विधि, अंशों पर याचना संबंधित नियम, अंश पूंजी में वृद्धि कमी तथा पुनर्गठन की विधि, अभिगोपन कमीशन का भुगतान, अंशों एवं ऋण पत्रों पर कमीशन व दलाली का भुगतान, अंशों का एकाकीकरण तथा उपविभाजन, कंपनी की समस्त सभाओं की विधि, कार्यवाही संख्य प्रतिपुरुष। इसके बाद अंकेशकों की नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य तथा उनका पारिश्रमिक। फिर बात आती है प्रबंधक, प्रबंधक संचालक, संचालक, सचिव, कोषाध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी प्रावधान, सार मुद्रा के प्रयोग संबंधी नियम, लेखा पुस्तकों के लिखने व रखने की विधि, लाभों का पूंजीकरण, अंशों के हरण एवं पुनः निर्गमन की विधि, प्रस्तावों से संबंधित नियम, सदस्यों के मताधिकार, ऋण लेने के अधिकार व उसकी सीमा, फिर संचालक मंडल के अधिकार, लाभांश की घोषणा एवं उसके भुगतान संबंधी नियम, और फिर संचय एवं कोषों के निर्माण संबंधी नियम, और अंतिम में आता है कंपनी के समापन की विधि। तो बच्चों कुछ ये जो बातें हैं जो कि कंपनी के पार्षद अंत नियमों में प्राय इनका उल्लेख होता है। पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंत नियम में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पहला अंतर का आधार लेते हैं हम उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अगर देखें तो इसका जो उद्देश्य होता है कंपनी के उद्देश्यों का वर्णन करना होता है। उसी तरह अगर हम पार्षद अंत नियम के को देखें तो उसका उद्देश्य जो है पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाना है। अगर हम दूसरा अंतर का आधार स्थिति लेते हैं यानी पोजिशन लेते हैं तो ये जो है मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये जो है कंपनी का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। उसी तरह अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो ये कंपनी का सहायक प्रलेख होता है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ चलता रहता है, और इसमें जितनी भी वर्णित चीजें होती हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी दी होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, नियम दिए होते हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, उद्देश्यों के बारे में जानकारी होती है और अधिकारों का क्या किया जाता है, उनका सीमान्यन किया जाता है या उनको बाउंड्रीज में बांधा जाता है कि उनके अधिकार क्या हैं। अगर हम अंतर का आधार तीसरा संबंध यानी रिलेशनशिप लें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखें तो यह कंपनी तथा बाहरी लोगों के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को देखें तो ये सदस्यों एवं कंपनी के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। वैधता हम चौथा अंतर का आधार लेते हैं जिसे हम वैलिडिटी कहते हैं, तो सीमा नियम में प्रदत्त शक्तियों से बाहर किए गए कार्य कंपनी द्वारा किए गए कार्य नहीं माने जाते, और ऐसे कार्यों की पुष्टि समस्त सदस्य भी नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देखें, इसकी वैधता के बारे में जानें, तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है में प्रदत्त शक्तियों के बाहर किए गए कार्य भी अवैध होंगे, परंतु इन कार्यों की पुष्टि बाद में सदस्यों द्वारा संभव है। पांचवा अंतर का आधार हम लेते हैं आवश्यकता यानी नेसेसिटी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते समय इसको तैयार करना आवश्यक है, इसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। उसी तरह अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आवश्यकता को देखें
तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए इसे तैयार करना आवश्यक नहीं है, किंतु एक प्राइवेट कंपनी के लिए इसका निर्माण करना आवश्यक है। परिवर्तन यानी अल्टरेशन की बात करें तो पार्षद सीमा नियम को आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कई मामलों में न्यायालय की स्वीकृति आवश्यक होती है। उसी तरह अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो पार्षद अंतनियम में विशेष प्रस्ताव द्वारा आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है।